बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस ने शिवानी कुमारी, लवकेश कटारिया, साथ में विशाल पांडे, अदनान, इन चारों को लेकर चल दी है ऐसी गंदी चाल कि इन चारों को बिग बॉस एक साथ कर देंगे घर से बाहर। जी हां, घर से, सेट से अब तक की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। एक ऐसी खबर जिस खबर ने पूरे के पूरे सोशल मीडिया को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है, क्योंकि पहली बार बिग बॉस ने घर के अंदर कुछ ऐसा कर दिया है। इन चारों कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस अब पूरी तरह से जाल में फंसा चुके हैं और हो ना हो 2-4 दिन में ये कंटेस्टेंट हम सबको घर के बाहर नजर आने वाले हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्या हुआ है घर के अंदर, पूरी तरह से वीडियो देखना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को आप जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर बीते दिन ही बिग बॉस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिग बॉस ये समझ चुके हैं कि घर के अंदर जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर चाहे वो शिवानी कुमारी हो, फिर चाहे वो अदनान हो, विशाल हो, या फिर लवकेश कटारिया, इनको जनता का सबसे तगड़ा सपोर्ट है। इससे पहले भी बिग बॉस के जितने भी सीजन हम सब ने देखे, जैसे बिग बॉस 16 में यहाँ पर एमसी स्टैन जीत गए थे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसके बाद बिग बॉस ओटीटी 2 हमने देखा एलविश यादव जीत गए, बिग बॉस 17 में हमने देखा यहाँ पर मुनव्वर फारूकी जीत गए। मतलब जिस भी सीजन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घर के अंदर आए, उनके आगे टीवी का एक्टर, यहाँ पर बॉलीवुड का एक्टर कोई भी नहीं टिक पाए। ये बिग बॉस पूरी तरह से समझ चुके हैं, बिग बॉस को पता चल चुका है कि अब अगर जनता पर हमने ये फैसला छोड़ा तो ये कंटेस्टेंट कभी भी बाहर नहीं हो सकते। इसलिए बिग बॉस ने बीते दिन लिया बड़ा फैसला और सभी के सभी इन्फ्लुएंसर को जाल में फंसा कर कहा कि इस बार जो मिड वीक एविक्शन होगा वो फैसला जनता नहीं लेगी, वो फैसला घर के अंदर के सदस्य लेंगे। और बिग बॉस के इतने बड़े फैसले के पीछे है बिग बॉस की एक बहुत बड़ी मजबूरी। जी हां, आपको बता देता हूं कि अब घर के अंदर कोई भी टीवी स्टार, कोई भी बॉलीवुड का स्टार बिग बॉस के घर के अंदर आने को तैयार नहीं है जब तक घर के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि अब ये पूरी तरह से छाप छुड़ चुकी है। यहाँ पर घर के अंदर के इन्फ्लुएंसर्स ने ये पूरी तरह से सबको दिखा दिया है कि अगर जब वोटिंग की बात आएगी तो उनके आगे कोई भी नहीं जा सकता। हमने एलविश यादव की बारी भी देखा था कि वो भारी मार्जिन से बिग बॉस 2 के यहाँ पर ओटीटी 2 के विनर बन गए थे, और बिग बॉस 16 में कुछ भी एमसी स्टैन ने घर के अंदर तगड़ी गेम नहीं खेली थी, लेकिन वोट इतने एमसी स्टैन को मिले कि एमसी स्टैन ट्रॉफी लेकर चले गए थे। तब भी हर कोई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था, हर किसी का यही कहना था कि एमसी स्टैन ने घर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन वोटिंग के आधार पर वो ट्रॉफी लेके चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे में अब बिग बॉस को इस सीजन में भी वैसा ही दिख रहा है, वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। और हम सब भी देख रहे हैं कि किस तरह से कटारिया को जमकर वोटिंग मिल रही है, किस तरह से शिवानी को जमकर वोटिंग मिल रही है, अदनान को भी लोग पसंद कर रहे हैं, विशाल पांडे को भी जमकर वोटिंग मिल रही है। तो अब बिग बॉस ने इन सबको धोखा दे दिया है। धोखा ये है कि इस बार जो मिडवीक एविक्शन होगा वो फैसला जनता नहीं लेने वाली है, वो फैसला बिग बॉस ने घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स पर छोड़ा है, साई केतन राव जैसे टीवी स्टार पर या रणवीर शौर्य जैसे बॉलीवुड स्टार्स पर बिग बॉस ने ये फैसला छोड़ दिया है, ताकि घर के बाहर की जनता को ये पता चल जाए कि इन्फ्लुएंसर्स की कोई औकात नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें।